अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां प्रतिबंध के बावजूद नहाने गए लोगों को एसडीएम ने जमकर फटकार लगाई है। दरअसल अमरगढ़ जंगल में बाढ़ में फंसे 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और वर्षा काल में अमरगढ़ नहीं आने की सख्त हिदायत देकर सभी को छोड़ा गया। आपको बता दें कि वर्षा काल में प्रतिबंध के बावजूद अमरगढ़ आने वाले पर्यटकों के विरुद्ध अब कार्रवाई की बात कही गई है। बारिश के दौरान शाहगंज रोड स्थित अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर अधिक वर्षा होने के कारण बरसाती नदी में बाढ़ आ जाने से 100 से अधिक लोग अमरगढ़ जंगल फंस गए थे। लोगों के जंगल में फंसे होने की सूचना मिलने पर बुधनी एसडीएम राधेश्याम बघेल तथा नायब तहसीलदार अंबर पंथी डीएफओ एवं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कुलदीप मलिक एसडीआरएफ टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग अमरगढ़ पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। यह सभी लोग भी यहां पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन तेज बारिश आने के कारण बरसाती नदी में बाढ़ आ गई और यह निकल नहीं पाए तथा जंगल के अंदर ही फंस गए। इन लोगों के जंगल में फंसे होने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर सभी व्यक्तियों के सुरक्षित निकाले जाने तक पल पल की जानकारी लेते रहे और अधिकारियों को निर्देश देते रहे। इन लोगों के निकाले जाने के बाद भी आसपास के पूरे एरिया को सर्च किया गया ताकि कहीं कोई व्यक्ति जंगल के अंदर ना रह जाए। डीएफओ श्री सहाय तथा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कुलदीप मलिक भी मौके पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सीहोर जिले के अमरगढ़ में बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। वर्षा काल में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे स्थानों पर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बताया कि सभी लोगों को बारिश के दौरान अमरगढ़ नहीं आने की सख्त हिदायत दी गई। इसके बाद भी यदि कोई अमरगढ़ आते हैं तो उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। भाई।